कर देखने तो दे। हाँ सही दिख रहा? अरे टाइमर चला नहीं चला। हेलो गाइस, तो गाइस आज आदि भैया की थड़ी से निकल चुका हूँ। अब भी लोगों चालू करेंगे, अब सीधा हाईवे निकलेंगे। दिख रहा? ये नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? ये गाड़ी नहीं दिख रही। दिख रही है अब? हाँ ये अब दिख रही। तो गाइस अपन अब निकल चुके हैं नारेली के लिए। गाड़ी में तो पेट्रोल है, बस पीछे की अलाइविल का डर है गाइस। अलाइविल की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आज गाड़ी धीरे चलाऊंगा मैं, भगाऊंगा नहीं गाड़ी, क्योंकि भगा ली ना तो अलाइविल हाथ में आ जाएगा और डचकों में तो धीरे लेनी पड़ेगी मेरे को। ये अपने जयपुर हाईवे रोड पर आ चुका हूँ अभी मैं, और यहाँ से अप्रोक्स 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर अप्रोक्स यहाँ से है। बैग ले लिया? बैग
अरे जतिन, बोलू क्या बोलू क्या क्या बोलू? हाईवे बोलेंगे, हाईवे पे बीच में क्या लगा? इतना बड़ा रखूंगा कौन, छोटी छोटी के लिए लूंगा एक मिनट की बस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम चुके हैं जयपुर रोड पर। तो आज हम जाने वाले हैं नारेली। तो ये रोड जाता है जयपुर साइड भी और ब्यावर साइड भी। तो यहाँ से कटेंगे हम नारेली के लिए, जो ये रोड से अप्रोक्स 10 किलोमीटर्स है। नारेली एक अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। मैंने बहुत फ़ोटोज़ देख रखी है उसकी और एक दो बार गया भी हूँ मैं। बहुत प्यारी प्लेस है और उसका जो ऊपर का इलाका है वहाँ से पूरा नेचर दिखता है, पूरी अराइवल हिल दिखती है। मतलब एक नंबर सीन है गाइस। यहाँ से बस थोड़ा सा और दूर है, यहाँ से बस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे हम निकल जाएंगे। उसके बाद तो हाईवे से ही सीधा जाना पड़ेगा। अभी मैंने वो जो व्लॉग था वो घर से तो स्टार्ट नहीं किया था, अजय भैया की टी स्टॉल से स्टार्ट किया था। क्योंकि है ना, अचानक ही मेरा प्लान बनाया कि ना यार, मेरे दोस्त ने बोला कि नारेली चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। और मैंने भी सोचा कि यार अपने चैनल में कोई वीडियो आ भी नहीं रही है, तो मैं नारेली का ही व्लॉग डाल देता हूँ। तो इसलिए आज मैं जा रहा हूँ नारेली, उसका पूरा देखना सीन क्या है। अभी देखो रोड कितनी खाली है यार, एक नंबर सीन है रोड। गाड़ी को भगाने में कुछ नहीं है, 80 तो अभी भी चल रही है, 90-100+ तो अभी भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन गाड़ी का अलाइवर है ना जो, वो टेढ़ा है थोड़ा। कंपनी वालों से कांटेक्ट किया लेकिन उन्होंने बोला कि यार टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन में अपनी गाड़ी वापस शोरूम जाएगी और ठीक हो जाएगी। उसके बाद तो अपने ब्लॉग्स डेली आते रहेंगे गाइस। बस अभी हाईवे साइड निकल चुके हैं अपन, हाईवे बस आने वाला है। ये बोर्ड आ चुका है, आपकी यात्रा मंगल हो अजमेर। ये जुबा केसरी हर जगह आपको पोस्टर मिल जाएगा। इंस्टा पे भी बहुत रील चल रही है यार इसकी, यार एक से एक रील चल रही है। ये अजमेर जयपुर हाईवे का कट आ गया। हमको जाना है जयपुर साइड नहीं, हमको ब्यावर साइड जाना है। तो ब्यावर के लिए आगे से कट लेंगे हम। थोड़ा सा पहले से धीरे कर लेते गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को पीछे बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि हाईवे पर गाड़ी आती रहती है ना, दिक्कत हो। गाड़ी को धीरे करते हैं, कट लेते हैं पहले, धीरे से कट लेते हैं। ये ब्रेकर्स बहुत ख़राब लगते हैं मेरे को, ऐसे 3-4 बार डिप 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 डिप, नेक्स्ट लेवल क्या है ये। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं ब्यावर के हाईवे पे। तो यहाँ से अप्रोक्स 8 किलोमीटर दूर होगा, अजमेर से तो हम बहुत जल्दी कट चुके थे। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर नारेली है, तो वही चलेंगे। बाकी जो रोड्स है जयपुर हाईवे से बहुत बढ़िया है। और इसकी रोड देखो यार, एक गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है। वाले हाईवे तो बस नाम का हाईवे है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और अजमेर का टोयोटो का शोरूम भी अजमेर के थोड़ा बाहर ही है, ये रहा। बाकी टोयोटो की गाड़ी तो अभी ली थी सौरभ भाई ने, फॉर्चुनर, क्या गाड़ी थी यार। सौरभ भाई की किस्मत ही कुछ और है यार, हम जो मोटे ब्लॉगर से वो कहाँ मिलते हैं। तो गाड़ी तो 70-67 की चल रही है स्पीड में। तो मैं आपसे अब नारेली जाके बात करता हूँ गाइस। तो वीडियो में बने रहे, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें।
गाइस फाइनली हम नारेली पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपका पूरा नारेली का सीन दिख रहा होगा, जो बड़ी बड़ी पहाड़ दिख रहे हैं वो पूरी नारेली की अराइवल हिल्स के इस साइड है, तो उधर ही चलेंगे अपन। बस यहाँ से थोड़ा रोड का काम चल रहा है शायद, इस वजह से एक साइड का जो रोड बंद कर रखा है, लेकिन गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है इधर। बाकी बहुत अच्छा सीन दिख रहा है यार, वहाँ पर ऊपर भी जाएंगे हम, ऊपर का भी सीन एक नंबर दिखेगा, जहाँ से पूरा हाईवे दिखता है गाइस, तो हम ऊपर भी चलेंगे। आ गया ना नारेली, कट नहीं है यार जितने आप है, कट पीछे गया था क्या? ये यहाँ से है कट, कट है यहाँ से, ये जो बीच वाला इधर से कट था है, नहीं है आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड में लाया था, आधार कार्ड थोड़ी लगता है, कटी नहीं है बहन छोत, कटी नहीं है तो अरे कटनी है, कटनी है कट लेने का, कट नहीं है कट, रुक जा रुक जा भाई, कट देखना पड़ेगा भाई, रिएक्शन हो गया जतन भाई, रिएक्शन देखे फक भैया, नारेली का खुला है, नारेली जाना है, अरे तो इधर से रास्ता आ ही नहीं रहा ना, कट ही नहीं है, कट है ही नहीं बीच में भैया, कट है था ही नहीं, तभी तो घूम के आया यार, उधर वो बैरिकेड, अरे उधर रोड बन रहा है, बैरिकेड लगा रखे हैं, इधर से नहीं है नारेली, इधर से तो जाना है,
सचिन हवा कम कर रही है पीछे वाली टायर, हवा कम लग रही है मेरे को, हवा देख हवा हवा कम लग रही है, हवा कम लग रही है। हाँ देख टायर में हवा देख, है ना, हवा कम हो गई। चला चला चला, रुकू? नहीं नहीं अभी चले। या हवा कम हो गई ना, पूछ लेंगे। तो गाइस फाइनली हम नारेली आ चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई यार, ये रोड बन रहा है इसके चक्कर में, बाकी तो सब कुछ ठीक ही था, बाकी रोड तो अच्छा बना दिया है इन्होंने इस बार, इधर से लेके इधर ही जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो गाड़ी इधर ही लगानी पड़ेगी ना, गाड़ी इधर लगाते हैं। तो ये हाईवे यहाँ का ही है गाइस, देखिए हाईवे तो बहुत अच्छा बना दिया इधर का, बहुत बढ़िया एक नंबर लग रहा है, क्योंकि ना जो जयपुर रोड पर रोड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, जो नारेली की ब्यावर साइड रोड पर जो इतने बढ़िया रोड बन रखे, अभी उस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये इधर नारेली तो आ चुका हूँ मैं, अभी पूरा अंदर चलते हैं, अंदर देखते क्या क्या है इधर, क्या नहीं है, ये वो प्रॉपर सब कुछ क्लियर करेंगे।